नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। फायर ब्रांड तोगड़िया की बीजेपी सरकार को नसीहत, कहा हिंदुत्व की बातें छोड़े काम करके दिखाओ। तबलीगी जमात पर लगाए जाएं प्रतिबंध, दो बच्चों से ज्यादा होने पर ना मिले सरकारी योजनाओं का लाभ, मतदाता सूची से किया जाए बाहर। जनसंख्या नियंत्रण पर जल्द बने कानून, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कानून पास कर बनाया जाए मंदिर। काम करो मानी जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ, काशी मथुरा का कानून बनाकर काशी मथुरा के मंदिर बनाओ, तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाओ और किसानों के फसल के न्यूनतम दाम का कानून बनाओ। इसलिए हिंदुत्व की बातें करना बंद करो, काम करके दिखाओ। जी, एक अभी मतदाता संशोधन कानून बिल पास हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे अध्ययन नहीं किया तो मैं कमेंट। अच्छा, इसके बारे में अभी कुछ समय पहले आपका एक बयान आया था कि दो बच्चों से अगर अधिक हैं तो मतदाता सूची से बाहर किए जाएं। क्या आप कानून ऐसा बनाया जाए दो से ज़्यादा बच्चे कानून बनने के बाद जिनको होगा उनको अनाज अन्न सरकारी नहीं मिलेगा, उनके बच्चे को सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल में सेवा नहीं मिलेगी, उनको बैंकों की लोन नहीं, सरकार की नौकरी नहीं, चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा और इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो उनका मताधिकार भी छीन लिया जाए। हम भारत में अल्पसंख्यकों का ख़त्म हो जाए ऐसा तो किसी को नहीं करने देंगे। सर, मथुरा में ज्ञान मापी जो सॉरी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर जो अभी घोषणा हुई थी, इसमें घोषणा में पढ़ता ही नहीं, केंद्र सरकार कानून बनाए और काशी मथुरा का मंदिर बनना दूसरे दिन शुरू हो जाए, इसलिए कहा कि बातें मत करो। सर, ये चुनाव देश की समस्या है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो केवल प्रदेश स्तर पर उसका मुद्दा उठाया जाता है, इसको लेकर नहीं, पूरे देश की समस्या है और जनसंख्या नियंत्रण का कानून केंद्र सरकार को ही देश में बनाना होता है। सर, चुनाव से पहले ही क्यों कृष्ण जन्मभूमि का और काशी का मुद्दा उठता है? चुनाव के पहले उठता है तो दबाव बनता है तो कानून सरकार बनाएगी, वरना वोट नहीं मिलेगा। तो चुनाव के पहले उठाने का फायदा भी है, हमेशा नुकसान ही ऐसा थोड़ा है। बंद कर सकते।